हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, चेक कर लेते हैं। तो चलिए उन पर फोकस बनाकर रखिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपके शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, जो आपको जानना जरूरी है वो आपको गाइड करें, ठीक है, शेडिंग के थ्रू, मेरी थ्रू। तो चलिए बिना देरी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आई थिंक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। चाहे आपको कमिटमेंट देना हो, मैरिज को लेकर आपसे बातचीत करनी हो, या फैमिली से बातचीत करनी हो। फैमिली, मुझे ना फैमिली मैरिज से रिलेटेड सेलिब्रेशन पार्टी, इससे रिलेटेड आपसे बातचीत करने के बारे में सोचते हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके फैमिली में किसी का मैरिज हो रहा है, शादी हो रहा है इनके फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ये हो सकता है। या आप दोनों की मैरिज को लेकर बात करना इस पर्सन को, ये हो सकता है, ठीक है। अपने मदर से मिलाना है, मदर सिस्टर या कोई और हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिखाई दिया है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे, बट वो पोस्टपोन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। ये पोस्टपोन इस पर्सन ने खुद ही किया है, ओके, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समय जो है सही नहीं है, जिस वजह से इस पर्सन ने ऐसा किया। इनका अपना खुद का रीजन हो सकता है कुछ, ओके। तो चलिए अब कार्ड से चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। एट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पर आया है एम्परर, ओके। आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रही है अभी इस वक्त, ठीक है। इनके जिम्मेदारियों की वजह से, किसी और का कंट्रोल की वजह से, फादर या फैमिली कोई और है जो कि इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, किसी और के कंट्रोल में है, ठीक है। वहां से निकलना किसी मुश्किल हालात में पा रहे हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन में पा रहे हैं ये पर्सन खुद को, जहां पर इस पर्सन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये पर्सन बंधे हुए हैं और वहां से निकल कर आजाद करके आपकी ओर नहीं आ सकते, ठीक है। ये पर्सन आप में स्टक हैं, ये पर्सन अपने लाइफ में स्टक हैं, ये पर्सन होपलेस हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको कोई नहीं समझ रहा है ये पर्सन ना, काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है सब कुछ। कोई इनसे नाराज है आपके पार्टनर से। यस गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से कोई नाराज है, चाहे इनके फादर हो, ब्रदर हो, या कोई और थर्ड पर्सन हो, पर कोई तो नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर से, ओके। आपके पर्सन उनके कंट्रोल में है, ऐसा हो सकता है, खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं। किसी की नजर तो जरूर है आपके पर्सन पर, कोई तो है जो कि आपके पर्सन पर नजर बना कर रखे हुए हैं, और उनको पता है आपके रिश्ते के बारे में, आप दोनों के बारे में, उन्होंने जान लिया है, या चाहे फैमिली हो चाहे कोई और हो, पर नजर तो जरूर इन पर रखी जा रही है। इस पर्सन के एक्शंस, रिएक्शंस, इनके बिहेवियर, इनके हरकतें, जरूर इन पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है, ठीक है। और उस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त इनको मत दीजिए, नाराज इनसे मत होइए आप, क्योंकि इस पर्सन का सिचुएशन ही ऐसा है कि ये कुछ नहीं कर सकते। इस पर्सन का माइंड सेट है, ये इस पर्सन का थॉट्स है, ठीक है। दुआ कर सकते हो आप इस पर्सन के लिए, ब्लेसिंग्स इनको सेंड कर सकते हो, ओके। क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में, मुझे इनका सिचुएशन दिखा जो कि मैंने आपको बताया। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब स्वर्ड्स बातचीत करना चाहते हैं, ओके, बातचीत करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपसे, आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, और कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है कि आप काफी नाराज हो, आप काफी गुस्से में हो, आप डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, रूड हो रहे हो, ये इस पर्सन का थॉट्स हो सकता है कुछ लोग के लिए, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कुछ बताना चाहते हैं डेफिनेटली अपने सिचुएशन के बारे में, अपने थॉट्स के पर्सन क्या सोचते हैं, किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, आपसे कुछ बातों को लेकर क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, खुद आपसे चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नई शुरुआत का भी कार्ड मिला है, तो नई शुरुआत चाहते हैं, या ये पर्सन चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर आप ही निकाल सकते हो इनको, ठीक है। तो आप कुछ करो, कोई एक्शन लो, कोई स्टैंड लो, कुछ करो आप,
इस पर्सन के लिए, ताकि ये पर्सन उस सिचुएशन से निकल सके, उस मुश्किल भरा हालात से निकल सके जहाँ पर वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो आप कुछ करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उम्मीद कर रहे हैं आपसे। ओके, बट आपका फोकस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। ऐसा हो सकता है आप साइलेंट हो, बस आप चुपचाप देख रहे हो, आप साइलेंट हो चुके हो। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या है इनका थॉट्स? नाइट ऑफ कप्स, क्या कहा था मैंने, आप इनकी ओर आओ लव को ऑफर लेकर, या इनसे बातचीत करने के लिए, इनकी फैमिली से बातचीत करने के लिए, स्पेशली अगर ये फीमेल हैं तो। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आपकी गर्लफ्रेंड है, या स्पेशली फीमेल हैं, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ये फीमेल हैं, तो ये चाहती हैं कि आप इनकी ओर आओ। और ये मेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ओर आने वाले हैं, ठीक है। फीमेल है तो मैंने आपको बता दिया है, इनकी ओर जाओ, रिश्ता लेकर जाओ, या अपने लव को, अपने प्यार का इजहार करो आप, ठीक है। आप दोनों का एक नई शुरुआत हो जाए उसके लिए आप कुछ करो, चाहे इनकी फैमिली से बात करो, इनके फादर से, ब्रदर से, आप रिश्ता लेकर जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे नई शुरुआत हो सके। बहुत मुश्किल हो सकता है, ओके, फैमिली को मिलाना, फादर ब्रदर से बात करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, आप दोनों का एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बट ये ऐसा ज़रूर चाहते हैं आपसे, एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन का, स्पेशली अगर ये एक फीमेल हैं तो। और अगर मेल हैं तो आपके लिए रिश्ता लैंग एंड फ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा है, भले आज स्टक हैं ये पर्सन, ओके, बट ये आपकी ओर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे मिलने को आ रहे हैं, या प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, पर बातचीत करेंगे अगर नो कांटेक्ट में हो तो, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है आप दोनों के बीच। मुझे किसी के अगेंस्ट तो जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट आपके रिश्ते, आपके लव लाइफ को लेकर इनका फैसला, इनका डिसीजन इनका खुद का होगा, जो ये चाहते हैं वो होगा, ठीक है। अगर आज ही पर्सन खुद को किसी टफ सिचुएशन में पा रहे हैं, मुश्किल हालात में पा रहे हैं, तो ये निकलेंगे, ठीक है। जो आज ही पर्सन अनक्लियर है, क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल पा रही है, ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी से निकलेंगे, अपने पावर में आएंगे, देन आपकी ओर, ठीक है। तो ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी मिली है, तो वीक्स लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है इस पर्सन को आपकी ओर आने में, ये एक्शन लेने में, इस पर्सन को कुछ करने में, आपके रिश्ते के लिए कुछ करने में, ठीक है। हफ्ता लग सकता है, उससे ज्यादा कम भी लग सकता है, आपका सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन, आप दोनों की एनर्जी पर डिपेंड करता है, या यूनिवर्स जब चाहे। यहाँ पर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पार्सिस और एरीज, एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके लिए नंबर 11, 12, 13, 14, 4, 8, 1, 11, 2, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।